अलकनाथ पांडे काफ़ी छोटी उम्र में ही अकेला हो गए थे, क्योंकि उनके माता पिता वगैरह कोई नहीं था और न ही उनका कोई घर द्वार था। डॉक्टर अलकनाथ पांडे की पढ़ाई लिखाई में ध्यान और जी तोड़ मेहनत को देखकर एक स्कूल के मास्टर साहब ने उन्हें अपने घर में रखा था और गरीबी इस कदर थी कि बयान नहीं किया जा सकता है। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था और न ही पढ़ने लिखने के लिए लालटेन या कोई लैंप बत्ती भी नहीं था। डॉक्टर पांडे जब कहीं शादी विवाह होता और बारात लगता तो बारात के साथ साथ चलते थे और अपना किताब लेकर पढ़ते थे और खाना पीना आज इसके घर तो कल उसके घर खाकर पले बड़े और अपनी पढ़ाई को पूरा किया और एक दिन आँख के सबसे बड़े डॉक्टर बन गए और अपना और अपने नगर उठाई झारखंड का नाम राज्य और देश में रोशन किया। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।